दौरे पर गई भारतीय टीम इस वक्त सीरीज तो 3-1 से गवा चुकी है, पर पांचवें और आखिरी मैच में अपना सारा दम झोंकने की कोशिश में टीम ने दो बड़े बदलाव किए हैं। एक तरफ तो चोटिल अश्विन को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर जडेजा को मौका दिया, वहीं दूसरी तरफ बेअसर रहे हार्दिक पांड्या को बाहर बिठाकर हनुमा विहारी को मौका दिया है। इस मौके की तलाश में हनुमा विहारी न जाने कब से थे, उन्होंने इस डोमेस्टिक सीजन भी सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जिनका उन्हें ये फल मिला है कि वो अपने करियर में पहली बार इंडिया के लिए खेलेंगे। विहारी के साथ साथ बचपन से रिकॉर्ड तोड़ने में माहिर पृथ्वी शॉ को भी टेस्ट के लिए बुलावा आया था, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि पृथ्वी को अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। अब देखना ये है कि हनुमा क्या सच में कोई कमाल कर पाएंगे या नहीं। आप भी हमें कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंडिया फैंटेसी।